Good morning, students. I hope you are all well. Today it's a day Monday, and we are here to start with our English subject today. And we are starting with our new chapter. Bala, oh bala, oh bala, 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 oh bala, oh bala, bala, bala. Shaitan ka sala. You will be now worrying कि सर ये गाना क्यों गा रहे हैं. Yes, the thing is के बच्चे हमेशा शैतानी करते हैं और शैतान बच्चे कुछ हटके होते हैं लाइक मेरी तरह. सो टुडे वर स्टोरी इज कनेक्टेड विद द बॉय नेम तपन वॉज वेरी नोटोरियस. बहुत शैतान बच्चा था जिसकी कहानी हम आज आपके साथ पढ़ने वाले हैं. सो गेट सेट गो. व्हाट अ नॉटी बॉय. He deserved to be thrashed. I have also received report of his getting into fights with the other boys. Send for him. Mohan. Hey Mohan. The headmaster shouted for the chowkidar. Mohan guessed from the growl in the voice that the headmaster was very angry. He rushed in and asked apprehensively, Yes sir. शुरुआत में यहाँ पे दिखाई जा रहा है हेडमास्टर तपन की वजह से बहुत गुस्से में है. मोहन नाम का चौकीदार है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि शैतान बच्चे को मेरे पास भेजो. इसकी बहुत सारी शिकायत मेरे पास आ रही है. अभी मैं इसको इसकी नानी याद दिलाता हूँ. हरी एंड गेट टपन ऑफ क्लास फिफ्थ द हेड मास्टर ऑर्डर. हेड मास्टर ऑर्डर करते हैं पाँचवीं क्लास का बच्चा तपन अभी मेरे सामने पेश किया जाए. अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ तपन क्या है कैसा है कहाँ है उसका बैकग्राउंड. Let me introduce the reader of the boy named Tappan. Tappan नाम का लड़का है. He is a second son of Ratan, the clerk of Padumani village. जिस गांव की ये कहानी है उस गांव का नाम है Padumani village. वो छठी पाँचवीं कक्षा का बच्चा है. Although rather thin, he is strong, somewhat dark and has bright eyes. दिखने में पतला है लेकिन वो कमज़ोर नहीं है. वो हट्टा कट्टा फुर्स्त नहीं है लेकिन फिर भी वो ताकतवर है. थोड़ा सा सांवला है उसका कॉम्प्लेक्शन और उसकी तेज आँखें हैं. ही इज़ क्वाइट गुड एट इज स्टडीज. पढ़ाई में अच्छा है. बट बोर्ड एट होम एंड आउटसाइड देयर इज नो एंड ऑफिस प्रैंक्स. लेकिन अगर हम मस्ती मजाक की उसकी शैतानी की बात करें तो उसका कोई अंत ही नहीं है. ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल. हमेशा कोई ना कोई दूसरों के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करने में वो देर करता नहीं है. But it must be admitted that he is never the first to pick a quarrel. हाँ ये हालांकि अलग बात है कि वो शुरुआत कभी मस्ती मजाक के वो नहीं करता है. But if anybody offends him, he never hesitates to give as a good as he gets. लेकिन अगर किसी ने उसे पंगा लिया तो उसको छोड़ता भी नहीं है. He is a leader of his group and is always ready to take up the kugels on their behalf. He is a popular and respected by his companions. वो अपने गैंग का लीडर है. सब जने उसे दोस्ती करते हैं ताकि कोई पंगा ले तो उसको अच्छे से मजा चखाने के लिए तपन हमें चाहिए ही होगा. आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी स्कूल एट विलेज तपन हैड गॉन फॉर अ ईयर टू हाई स्कूल 15 माइल्स अवे एंड स्टे विद हिज अंकल. नाउ ही इज़ बैक होम एंड स्टडिंग एट जननपीत हाई स्कूल अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम हिज विलेज. प्राइमरी स्कूल पहली से चौथी कक्षा तक उसने गांव से थोड़ा दूर 15 किलोमीटर दूर अपने अंकल के घर पे जाके उसने पढ़ाई लिखाई की. लेकिन अब वो अपने घर पे लौट आया है. 1.5 किलोमीटर जननपीत नाम का स्कूल है जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई आगे कर रहा है. चलो देखते हैं अब आगे उसने जननपीत स्कूल में कौन सी नानी चखाई किसको क्या मज़ा चखाया. ही हैड ओनली बीन टू जननपीत अ मंथ एंड ऑलरेडी देयर वाज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. सिर्फ महीना ही मुश्किल भर हुआ था लेकिन वो अपनी करतूतें कर दिखाने में माहिर हो चुका था. हर इन द शॉपकीपर ऑफ Padumani विलेज हैज कंप्लेंट टू द हेडमास्टर द तपन एंड नंबर ऑफ द अदर बॉयज हैड थ्रोन स्टोन एट द शॉप द प्रीवियस इवनिंग. तपन हैड बीन द रिंग लीडर. एक दुकानदार जो किराने यानी राशन की दुकान वाला था उसने हेडमास्टर यानी स्कूल के प्रिंसिपल को कंप्लेन की कि तपन और उसके कुछ साथी मेरे दुकान पे पत्थर फेंकते हैं और इन सब का लीडर और कोई नहीं कौन है
ऑब्वियसली तप्पन है। तप्पन केम इन विद चौकीदार एंड आफ्टर ग्लैंसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर स्टूड विद हेड लोअर स्विंगिंग हिज केन द हेडमास्टर डिमांडेड यू आर तप्पन आरंट यू। यस सर, तप्पन रिप्लाइड पोलाइटली। तप्पन आया चौकीदार के पास और चौकीदार ने बोला चलो आपको सर ने बुलाया है। वो सर के पास जाता है। तप्पन को सर पूछते हैं क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने दुकानदार के ऊपर पत्थर फेंक के उसकी दुकान में नुकसान किया। यस सर, मैं ही तप्पन हूँ। डू यू नो दिस जेंटलमैन द हेड मास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग एट द शॉपकीपर। यस सर, ही लिव्स इन अवर विलेज। वेल, इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रू स्टोन एट दिस शॉप। टेल मी द ट्रूथ और आई विल फ्लॉग ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक। अब दुकानदार से पूछते हैं क्या तुम जानते हो उस लड़के को। हाँ सर, ये हमारे गांव का ही लड़का है। ठीक है तप्पन, अब आप मुझे बताओगे कि क्या कारण रहा आपका आपने इस दुकानदार के दुकान पर पत्थर फेंके, नहीं तो मैं तुम्हारी पीठ की चमड़ी उखेड़ दूंगा मार मार के। यस सर, इट इज़ ट्रू डेट आई थ्रो स्टोन एट हिज शॉप बट रतन एंड अदर्स। सर, मानता हूँ कि पत्थर फेंके गए थे लेकिन रतन और उसके दूसरे साथीदार भी इसमें शामिल थे, केवल मैं ही नहीं था। वाई डिड यू डू डैट यू रास्कल, एंसर मी द हेडमास्टर थंडर। बदतमीज बच्चे, क्यों तुमने ऐसा किया, हेडमास्टर गुस्से में आके ऐसा बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। चलो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। He had only been Janpat a month and already there was a complaint against him. Harin, the shopkeeper of Padmavani village, had complained to the headmaster. Tappan and a number of other boys had thrown stone at his shop and the previous evening, Tappan had been a ringleader. Ek sham pehle hi headmaster ko kuch complaint aayi ki sir biti hui kal mein Tappan aur uske saathidaron ne मेरे दुकान पे पत्थरबाजी की है। तप्पन केम इन द चौकीदार एंड आफ्टर ग्लैंसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर स्टूड विद हिज हेड लोअर स्विंगिंग हिज केन द हेडमास्टर डिमांडेड यू आर तप्पन आरंट यू। तप्पन आता है चौकीदार के पास, चौकीदार उसे ले जाता है हेडमास्टर के पास। तप्पन सर झुका के वहां पे खड़ा है। हेडमास्टर का जो गुस्सा है वो काबू में नहीं था। जोर से पूछते हैं क्या तुम ही तप्पन हो। यस सर, तप्पन रिप्लाइड पोलाइटली। हाँ सर, मैं ही तप्पन हूँ। डू यू नो दिस जेंटलमैन द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग एट द शॉपकीपर। दुकानदार से पूछते हुए तप्पन से तप्पन के बारे में हेडमास्टर ने पूछा क्या तुम इस लड़के को जानते हो शॉपकीपर। यस सर, ही लिव्स इन अवर विलेज। हाँ सर, ये मेरे गाँव का ही है। वेल, इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रू स्टोन एट हिज शॉप। टेल मी द ट्रुथ और आई विल फ्लॉग ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक। तप्पन, मैं सुना है कल शाम तुमने अपने मित्रों के साथ पत्थरबाजी की है सीरेन के नाम लड़के के दुकान पे, क्या ये सही बात है, मुझे हकीकत बताओ वरना मैं तुम्हारी पीठ की मार मार के चमड़ी उखेड़ दूंगा। यस सर, इट इज ट्रू डेट आई थ्रू स्टोन एट हिज शॉप बट विद रतन एंड अदर्स। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैंने और रतन ने और उसके कुछ दोस्तों ने इसके दुकान पे पत्थरबाजी की थी। Why did you do that, you rascal? Answer me, the headmaster thunder. क्यों तुमने ऐसा किया, तुम बदतमीज बच्चे, क्या तुम्हें किसी का डर नहीं है, ऐसे गुस्से में हेडमास्टर उसे बोलते हैं। Sir, this man cheats. He charges higher price and give less. Moreover, he had introduced a new kind of paper bag, which is padded at the bottom. The day before yesterday, we bought a kilo of dal from him. When we weighed the content at home, it turned only 800 grams. The padding in the bag weighed 50 grams. He had short weight 150 grams. It is common knowledge in the village. When I question him about it, he abused me and chased me out of his shop. It is why I and other boys threw a stone at his shop. Sir, इस दुकानदार ने हमारे साथ ठगी की है। उसने हमें एक्सप्लॉइट किया है, हमारे साथ छेतरपिंडी की है। उसने एक बैग कागज की पुड़िया उसके अंदर किलो कम हो जाए, आधा किलो कम हो जाए ऐसे रखी है। उसमें वजन ज्यादा हो जाता है और हमें चीजें कम तोल में मिलती हैं। मुझे 150 ग्राम दाल जो है वो कम मिली है।
जब मैंने उसे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे धक्के मार के उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसके दुकान पर पत्थरबाजी की है। द हेडमास्टर लुक एट द शॉपकीपर, हिज फेस वॉज क्रिम्सन। दुकानदार ने जब देखा कि उसके पोल खुल रही है, तो उसका जो फेस था, उसकी जो शक्ल थी, वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसकी गर्दन नीचे झुक गई। द हेडमास्टर थॉट फॉर सम टाइम, टर्न टर्निंग ऑफ टू दप्पन, ही सेड, इवन सो व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट। इट वाज अ रॉन्ग टू हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। इफ द शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, इट इज फॉर द गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत टू टेक अप द मैटर। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, होल्ड आउट योर हैंड। दप्पन रिसीव 5 स्ट्रोक्स ऑफ द केन। When he returned to the class, his classmates looked at him sideways and was been sniggering. Headmaster ने उसे समझाते हुए कहा, तप्पन, ये उसका निजी मामला है। वो चाहे कैसे भी कुछ भी कर रहा हो, ये पंचायत के हाथ में है और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है कि वो उसे सबक सिखाएं। हम कोई नहीं होते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। लाओ तुम्हारा हाथ लाओ। ऐसी 5 स्केल तप्पन के हाथ पे पड़ती हैं। जब वो अपनी क्लास के अंदर लौट रहा था, सारे बच्चे साइड में मुंह करके एक दूसरे को इशारा करते हुए हंस रहे थे। चलिए देखते हैं तप्पन ने और क्या क्या किया। तप्पन मेक फन ऑफ वेंडर, सब्जी वालों का, रेकड़ी वालों का उसने मजाक उड़ाया। तप्पन वंस राइड ऑन ऑक्स इनसाइड क्लासरूम। एक बार एक ऑक्स यानी कि बैल अचानक स्कूल का गेट देख के वो अंदर आ गया और वो उसके क्लासरूम में आ गया। और तप्पन ने क्या किया देखो तो सही, उस ऑक्स के ऊपर सवारी कर ली। हे भगवान, तप्पन तप्पन है बाबा, उसे कोई नहीं पहुंच सकता। एवरी टाइम तप्पन गेट स्ट्रॉक फ्रॉम टीचर, लेकिन बेचारा हर बार मार का मारा हो जाता था और सूझ जाता था, इतनी मार खाता था, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। कहते हैं एक शैतान बच्चा दिल से शैतान नहीं होता है, वो दिल का बहुत साफ और अच्छा होता है। तप्पन भी वैसा ही बच्चा था, उसके मन में बहुत दया थी, वो लोगों का दुख दर्द दे सकता नहीं था। आइए देखते हैं कुछ अच्छी काम, कुछ अच्छी बातें तप्पन के अंदर देखने मिली थी। तप्पन गुड डीड्स कम्स अराउंड, ये हेल्प ओल्ड पुअर बेगर बाय क्रॉसिंग रोड। एक गरीब औरत जो भिखारी थी, उसे बहुत तेज बुखार था, उसको रोड क्रॉस करना था, वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन तप्पन ने उसके हाथ पकड़ के अपने घर ले गया, उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तप्पन काफी दयनीय व्यक्ति था। दूसरी बात, ही गिव्स ट्रीटमेंट विद ऑइंटमेंट टू इंजर्ड डॉग्स। एक बार जब शहर के बीचों बीच बाजार में एक बैल जो इंजर्ड यानी घायल था और उसे बहुत दर्द हो रहा था, किसे, बैल को यानी ऑक्स को, तप्पन ने देखा, वो जल्दी से ऑइंटमेंट यानी कि उसके उसके लिए एक मलहम लेके आया। जो उसके पांव में जहां लगी गई चोट थी, वहां पे उसने मलहम मख लिया। ये हेडमास्टर द्वारा भी देखी गई चीज थी। दीस ऑल गुड डीड्स वर नोटेड बाय स्कूल प्रिंसिपल। ये सारी बातें स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची थी। देखते हैं अब स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ तो अच्छा किया होगा, हर बार बेचारा मार खाता था, शायद अभी उसे कोई इनाम मिल जाए। चलो देखते हैं क्या हुआ अंत में। अब वक्त आ गया था उस दिन का जब किसी के अच्छे फलों का उसे इनाम दिया जाए। Then come the time for the announcement of the special prize. School के annual function में अब वक्त आ चुका था कि एक special, कुछ हटके जिसने काम किया उसे इनाम देने का। Everyone waited expectantly. हर एक को कोई ना कोई आस, कोई उम्मीद थी। Addressing the assembly, the headmaster announced, Honorable President and respected ladies and gentlemen, It has been decided to give the special prize for the student with the best character. It's none other than Shriman Tappan Hazarika of class 5th. Now the day comes and it was a good deeds day. And finally and coincidentally,
स्पेशल प्राइज वॉज बिन गिवन टू श्रीमान तपन हजारिका, उसी को वो प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि उसने काफी अच्छे काम किए थे जानवरों की, दयनीय भूखे प्यासे गरीब व्यक्तियों की। इसके लिए ये चीज के मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार अंत में जो स्पेशल प्राइज था वो किसे दिया गया? तप्पन को। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अ स्टोरी अबाउट द स्पेशल प्राइज रिटन बाय अनंत देव शर्मा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड विल फॉलो द तप्पन डीड्स। आप सब अच्छे काम जो तप्पन ने किए थे वैसे आप सब अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। सो आई एम सेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर अलॉन्ग विद दिस वीडियो। प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक। गुड बाय।